हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। भोजपुरी बातें के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेखक मनोज पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जी। आज हमारी फिल्म भोजपुरी फिल्म वंश का मुहूर्त है, जिसके डायरेक्टर राजू जी हैं और प्रोड्यूसर राजकुमार और राजेश जी हैं और गौरव झा, रिशु सिंह, सुशील सिंह और पलक तिवारी इस फिल्म के कलाकार हैं और इस फिल्म में मैं एज ए स्टोरी राइटर काम कर रहा हूँ। देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे डायरेक्टर साहब का है, मैं सिर्फ इसको डेवलप किया है और कहानी, जैसा कि फिल्म का टाइटल है वंश, तो ये कहानी एक पारिवारिक कहानी है और जो इस फिल्म का परिदृश्य है वो परिवार के में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं सबका ताना बाना है। तो कहीं ना कहीं जो कहानी का जो मेन फैक्टर हो जाती है उसको देख ध्यान में रखना। नहीं, देखिए, ये जो कहानी, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही हीरो होता है। हम लोग जब कहानी डेवलप करते हैं, कहानी डेवलप करने के बाद सोचते हैं कि कौन इस कैरेक्टर में फिट होगा, जिस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट का कैरेक्टर होता है उसमें कौन फिट होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं डायरेक्टर साहब की होती हैं। तो चूँकि मेरे पास जब डायरेक्टर साहब कॉन्सेप्ट लेकर आए थे तो उस समय इस फिल्म के लिए गौरव झा जी तय थे जी। और कास्ट की बात करें, देखिए वंश की जो कहानी है, मैं इस कहानी में बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा ये कहानी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही इमोशनली बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी के जितने भी किरदार हैं उस सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, कहानियाँ 10 ही होती हैं पूरे विश्व में, उसका प्रेजेंटेशन अपना होता है। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब है राजू जी, इन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं और इनकी कहानियों में एक इमोशन, एक्शन और कॉमेडी, सारी चीज़ों का एक जो होता है ना मसाला, वो होता है। तो इस फिल्म में भी हमारी कोशिश ये है कि हम कहानी को एक नया रूप देकर प्रस्तुत करें। नहीं नहीं नहीं, देखिए कहानी में गाने गाने की बात नहीं है, गाने जो भी होंगे इस फिल्म में सारे सिचुएशनल सॉन्ग होंगे और बहुत ही कंट्री म्यूजिक होगा इस फिल्म का। शूटिंग इस फिल्म की बनारस में प्लान की जा रही है। गौरव झा के अलावा मैंने बताया कि इसमें गौरव झा जी हैं, रितु जी हैं और पलक तिवारी जी हैं, सुशील भैया हैं, बाकी अभी कास्टिंग फिल्म की चल रही है। और देखिए, हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये कहानी हमारे डायरेक्टर साहब की है और वो कहानी मेरे पास लेकर आया और हम लोग मिलके इस कहानी को डेवलप कर रहे हैं। तो कभी भी क्या होता है कि जो फिल्म की नींव होती है वो होती है स्टोरी। तो निसंदेह इसमें हमारे डायरेक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की है और जब उन्होंने मुझे वन लाइन बताई बहुत अच्छी लगी और हमने कहा कि सर इसको डेवलप करते हैं और ये सिनेमा हमारे दर्शकों को निसंदेह बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, जब कोई सिनेमा देखने जाता है तो उस सिनेमा में अपने आप को देखता है, एक परिवार हो, एक समाज हो, सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हमारे जो भोजपुरिया दर्शक हैं सपरिवार हमारे इस फिल्म से जुड़े, इसकी हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे जी। दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि ये सिनेमा हम लोग आप सबके लिए बनाते हैं, आप सबके मनोरंजन के लिए बनाते हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को दें, सिनेमा देखें, सपरिवार देखें। इस बात का हम वादा करते हैं कि आप सपरिवार अगर सिनेमा देखेंगे तो पूरे गर्व के साथ देखेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।